दोस्तों, अगर आप लोगों ने गुल्ली बुली और स्पेस ट्रेवल का हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि बावा एक स्पेसशिप बनाते हैं और सारे लोग स्पेसशिप में बैठकर चांद पर जाते हैं और ग्रैनी ग्रैंडपा भी स्पेसशिप में लटक कर किसी तरह चांद पर पहुंच जाते हैं। चांद पर जाने के बाद जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ झोपड़ियां दिखाई देती हैं और जब सारे लोग खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं तो फिर वो लोग कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं। और अब आगे देखिए, अरे ये क्या, ये एलियन तो एक आदमी को जान से मारने जा रहा है। गुल्ली बोलता, बाबा जल्दी से इसे बचाइए नहीं तो ये एलियन इसे मार डालेगा। बाबा बोलते, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी शक्तियाँ चांद पर काम नहीं करेगी। बाबा, पर हमारे पास ये गन तो है। बाबा बोलते, पर हम लोग को यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए नहीं तो हम पर बहुत बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। और फिर वो एलियन उस आदमी को मार डालता है। गुल्ली बुल्ली बाबा सोनो रोड वहाँ से चुपके से निकल जाते हैं। बाबा बोलते हैं, जितना जल्दी हो सके हमें वापस धरती पर लौटना होगा क्योंकि मैंने जैसा चांद के बारे में सोचा था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक एलियनों का पहरा है। गुल्ली बोलता, हाँ बाबा, अगर किसी एलियन ने हमें देख लिया तो वो हमें कच्चा चबा जाएगा। और फिर थोड़ी देर में सारे लोग वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन लोगों का स्पेसशिप था, लेकिन यहाँ पर तो इन लोगों का स्पेसशिप है ही नहीं। बुल्ली बोलता, बाबा आखिरकार हम लोगों का स्पेसशिप कहाँ चला गया और हम लोग स्पेसशिप के बिना वापस घर कैसे लौटेंगे और यहाँ पर तो चारों तरफ खतरा ही खतरा है। तभी सामने से बहुत सारे एलियन दौड़कर इन लोगों की तरफ ही आ रहे होते हैं और इन लोगों के तो हाथ में हथियार भी है। लगता है कि ये लोग इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। गुल्ली बोलता, जल्दी यहाँ से भागिए बाबा, मैं आपको पीटता हुआ नहीं देख सकता। सोन बोलते, पर बाबा तो यहाँ पर है ही नहीं। बुल्ली बोलता, आखिरकार बाबा कहाँ चले गए? अरे वो देखो, बाबा तो पहले ही अपना लंगोट लेकर भाग चुके हैं। गुल्ली बोलता, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जल्दी यहाँ से भागो। और फिर सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते उन लोगों को चांद पर ही एक बहुत बड़ा जंगल दिखता है। बाबा बोलते, सारे लोग इस जंगल में छिप जाओ, वो एलियन हम लोग को इस जंगल में नहीं खोज पाएगा। सारे लोग जंगल में एक बहुत बड़े झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। रॉड बोलता, बाबा अब हम लोग वापस पृथ्वी पर घर कैसे जाएंगे और अब हमारा तो स्पेसशिप भी नहीं दिख रहा। सोन बोलता, इस बुड्ढे के कारण ही हम लोग इतने बड़े मुसीबत में पड़ चुके हैं। मैं तो बोलता हूँ सबको छोड़ो, इस बुड्ढे को ही मारो। बाबा बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता था कि चांद पर इतना खतरा हो सकता है। तभी सामने एक एलियन दर्द से तड़प रहा होता है। गुल्ली बोलता, बाबा हम लोग को इसकी मदद करनी चाहिए। बाबा बोलते हैं, जो दिखता है वो होता नहीं, ये जरूर किसी एलियन की चाल होगी हम लोग को फंसाने के लिए। बुल्ली बोलता, लेकिन ये एलियन तो दर्द से काफी ज्यादा तड़प रहा है और अगर हम लोग इसकी मदद नहीं करेंगे तो ये मर जाएगा। बाबा बोलते, तो मर जाए, इससे हम लोग को क्या। सोन बोलता, ये बुड्ढा काफी ज्यादा डरफोक है, अब लगता है कि हम लोगों को ही उस एलियन की मदद करनी पड़ेगी। बाबा बोलते, नहीं सोन, तुम ज्यादा जज्बाती मत बनो। और फिर सोन बाबा को एक थप्पड़ लगा देता है और बोलता है, तुम चुपचाप अपने मुंह बंद कर यहीं पे बैठा रहा, चलो गुल्ली बुली रॉड हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और फिर सारे लोग उठ करके उस एलियन के पास चले जाते हैं। रॉड बोलता है, लगता है कि एलियन मर चुका है। और फिर तभी एल्विस भाई, गुल्ली बुली सोन और रॉड तो चारों तरफ से एलियनों से घिर चुके हैं। बुल्ली बोलता, हम लोगों को बाबा की बात मान लेनी चाहिए थी। बाबा दूर से ही सारा नजारा देख रहे होते हैं। तभी सोन बाबा की तरफ इशारा करके सारे एलियनों को बोलता है, देखो वहाँ पर एक बूढ़ा छिपा हुआ है और वही हम लोगों का सरदार है। और फिर सारे एलियन बाबा की तरफ देखने लगते हैं। बाबा बोलते हैं, अब भागने में ही मेरी भलाई है लेकिन मैं इस सोन के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। और फिर बाबा वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। सारे एलियन भी बाबा की तरफ दौड़ लगा देते हैं। और फिर तभी बाबा के सामने एक एलियन आ जाता है। बाबा बोलते हैं, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं काफी सनकी आदमी हूँ, अगर एक बार मेरा दिमाग घूम गया उसके बाद तुम अपना हाल समझ लेना। बाबा की बात सुनकर वो एलियन जोर जोर से हंसने लगता है। तभी बाबा के पीछे कोई हाथ रखता है। बाबा वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और जब बाबा की आँख खुलती है तो सारे लोग एलियन के अड्डे पे होते हैं। गुल्ली बोलता, हम लोग तो यहाँ पर आए वो तो मुझे पता है लेकिन आखिरकार ये ग्रैनी ग्रैंडपा यहाँ पर कैसे आ गए।
गुल्ली बोलता, लगता है कि ये हमारे स्पेसशिप में लटक कर आए हैं। तभी वहाँ पर एक एलियन आता है और बोलता है तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि थोड़ी ही देर में हमारे एलियन के सरदार तुम लोग से मिलने के लिए आ रहे हैं। बुल्ली बोलता हमें यहाँ से जाने दो, और कौन है तुम्हारा सरदार? वो एलियन बोलता है वो बहुत ही खतरनाक है और वो तुम लोगों की आंखें निकाल कर खा जाएगा। बाबा बोलते हैं अगर तुम लोगों को मारना है तो तुम लोग मुझे मारो, इन लोगों को जाने दो, मेरे ही कारण ये लोग इतने बड़े मुसीबत में फंसे हैं। एलियन बोलता है वो तो हमारे सरदार के आने के बाद ही पता चलेगा कि तुम लोग में से पहले किसको मारना है। तभी आसमान में एक आवाज गूंजने लगती है। गुल्ली बोलता है ये आवाज तो जानी पहचानी से लग रही है बुल्ली। सोन बोलता है ये आवाज तो सायरन हेड की है, और बाबा ने तो पहले सायरन हेड की काफी धुलाई भी की है। बाबा धीरे से बोलते हैं मैंने सायरन हेड को बहुत मारा है और अब ये हमसे पूरा अपना बदला वसूलेगा, ये भगवान मेरी आत्मा को शांति देना। तभी वहां पर सायरन हेड आ जाता है। सायरन हेड तो बाबा को ही घूर रहा है। तभी सायरन हेड बाबा की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। बाबा का तो डर के कारण हालत खराब है, लगता है कि सायरन हेड को अपना पुराना बदला याद आ चुका है। बाबा बोलते मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा था। तभी सायरन हेड बाबा के सामने हाथ जोड़ लेता है और बोलता है बाबा मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं सुधर चुका हूँ, अब मैं पहले जैसी गलती फिर से नहीं करना चाहता। बाबा धीरे से बोलते लगता है कि इसे पता नहीं है कि मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही, इसीलिए ये मुझसे डरा हुआ है। तभी बाबा थोड़ा गुस्सा में आकर के बोलते हैं तुम लोगों ने मेरे हाथों को क्यों बांध करके रखे हुए हो? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कहीं बाहर। तभी गुल्ली बोलता है कोई जरूरत नहीं है बाबा, सायरन हेड को एक मौका दे दीजिए, इसे मत मारिए। तभी बुल्ली बोलता है सायरन हेड तुम हम लोग का मुंह क्या देख रहे हो? तुम क्या फिर से बाबा का गुस्सा देखना चाहते हो? जल्दी से हम लोग का हाथ खोलो। सायरन हेड अपना सर हिलाता है और फिर सारे लोगों का हाथों को खोल देता है। उसमें से एक एलियन बोलता है ये दोनों कौन है? बाबा बोलते हैं ये तुम लोगों का गिफ्ट है, तुम लोगों को जो इसके साथ करना है वो करो, बस हम लोग को यहाँ से जाने दो। सायरन बोलता बाबा ये आप लोग का स्पेसशिप है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं और दोबारा कभी भी यहाँ पर लौट कर मत आइएगा। और फिर सारे लोग स्पेसशिप में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब ये लोग ग्रैनी ग्रैंडपा के साथ तो बहुत ही बुरा करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्हें हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे अच्छा से कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।